फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले और भटूरे की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे बनाना। तो सबसे पहले हम भटूरों का डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, बेकिंग पाउडर, दही, रिफाइंड ऑयल और नमक टेस्ट के अनुसार और गुनगुना पानी। तो चलिए अब इसको गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा को पहले ऐड करती हूँ, फिर सूजी को, दही, बेकिंग पाउडर, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके बाद रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार, मैंने 1 चम्मच नमक को भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके गुनगुने पानी से इसको गूंथेंगे, जिससे कि हमारे भटूरे फूले फूले रहेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से गूंथ लिया है आटे को। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। चलिए अब छोले बना लेते हैं। तो छोले के लिए मैंने लिया है काबली चना, जो रात में मैंने सोक कर लिया था और अभी उबाल के रख दिया है। और मैंने लिया है प्याज 1 छोटा साइज का तड़के के लिए और तेज पत्ता। टमाटर को रफली चॉप किया, इसको अभी ग्राइंड कर लेंगे। ग्रीन चिली लिया है और अदरक लिया है। सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच। यहाँ पे जीरा लिया है मैंने, धनिया पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के अनुसार, ये छोले मसाले हैं। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, गार्लिक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और ये प्याज लिया है पीसने के लिए। देखिए, मैंने टमाटर को पीस लिया है इस तरह से। अब इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से प्याज को भी पीस लेंगे। प्याज के साथ हम अदरक और लहसुन को भी पीस लेंगे एक साथ। आप चाहे तो अलग भी इसको पीस सकते हैं। कुकर को मैंने गरम कर लिया है। अब चलिए इसमें तेल को ऐड करती हूँ, 3 बड़े चम्मच। तेल हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें तेज पत्ते को डाल देती हूँ, तड़के के लिए जो रख दिया है मैंने, और जीरा को भी साथ ही साथ डालती हूँ। चलिए, ग्रीन चिली को मैं डाल देती हूँ और प्याज को साथ साथ फ्राई कर लेते हैं। इसको लाइट गोल्डन में फ्राई करेंगे, साथ ही साथ नमक भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिससे हमारी प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है गोल्डन। अब इसमें हम टमाटर का प्यूरी ऐड कर देते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। और 5 मिनट हो गया है। इसमें हम ऐड करते हैं प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट। अब साथ ही साथ सभी पीसे हुए मसाले को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब इसमें छोले मसालों को भी डाल देती हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने लिया था। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून एंड रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच। सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको चलाते रहेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि छोला हमारा अच्छा बने। और इस तरह से आप छोले को बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा घर में। हमारा मसाला भुन चुका है, आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल अलग हो रहा है। तब हम इसमें छोले को ऐड कर देते हैं। ये छोले को ऐड कर रहे हैं कि मैंने छोले को मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब इसको भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम इसमें पानी को ऐड करते हैं। और 3 सीटी तक इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 3 सीटी जब हमारी हो जाएगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे।
नमक मैंने कम ऐड किया था, तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ। छोला हमारा बन गया है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर रही हूँ बटरों को फ्राई करने के लिए। बटरों को बनाना, देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोई मैंने ली है गोल को, इसको कर लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है चकले और बेलन में, अब इसको बेल लेंगे गोल को इस तरह से। हमारा गरम हो गया, अब इसमें भटोरों को मैं डालती हूँ इस तरह से, हल्का से प्रेस करेंगे ताकि हमारी भटोरों फूले अच्छे से। देखिए इस तरह से मेरा फूल रहा है, ये देखिए। देखिए हमारे भटोरों कितने अच्छे फूले हैं। इसी तरह से देखिए सारे भटोरों को हम इसी तरह छान लेंगे। हमारे भटोरे बन गए हैं इस तरह से, देखिए मैंने बनाए हैं, सारे फूले हुए हैं और छोला भी मैंने एक निकाल दिया है बाउल में। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।